हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल। एंड तो देखिए, आज आपको हम बताने जा रहे हैं एक नॉर्मल सा प्लान, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर 30x40 ईस्ट फेस प्लान, और इसमें कंसिस्ट करता है बेडरूम्स, दो बेडरूम है और एक हॉल रहेगा यहाँ पे, एक हॉल और एक डाइनिंग एरिया, किचन कंबाइंड भी है, एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, और एक जो स्टेयरकेस के नीचे आपको मिल जाएगा। स्टेयरकेस के नीचे एक जनरल कॉमन टॉयलेट रूम आप बना सकते हैं, एंड छोटा सा पार्किंग एरिया रहेगा उसके अंदर, और एक वेल पैसेज यहाँ पे 3 फीट 3 इंच का, अगर आप दूसरे मंजिल बांधे तो भी। तो इस वीडियो में देखिए, आपको 30x40 ईस्ट फेस प्लान 2 BHK पोर्शन है, एंड चारों तरफ यानी कि तीनों तरफ से राइट लेफ्ट और रेयर साइड में क्या है ऑफसेट जगह जगह छोड़ा गया, एंड आप और कितना कॉस्ट लगता है इसके अंदर, कितना कॉस्ट के अंदर आप बना सकते हैं एक इतना साइज का बिल्डिंग, और कॉलम्स कहाँ कहाँ पे आने वाले हैं, एंड पूरा फुल जानकारी आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो में। आप सभी से दरख्वास्त है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल लाइफ इज़ ऑसम को, एंड इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, एंड अपना मैं मोबाइल नंबर भी बता दूंगा अंत में। तो बने रहिए वीडियो में पूरा अंत तक, एंड डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो देखिए व्यूवर्स, अभी मैं इसको टॉप व्यू से दिखा दूंगा आपको, ताकि आप ठीक से समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सामने, ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पार्किंग है यहाँ पे एक वेल आप ले सकते हैं, इधर हॉल एंट्रेंस, यहाँ पे रोड साइड है, ये जो है ना जगह रोड है, तो रोड से आप एंटर हो गए, एंटर होते ही 14 फीट 4 इंच में 9 फीट का जो है पूरा ऑफसेट एरिया, मतलब पार्किंग के लिए जगह मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आप छोटा सा व्हीकल पार्क कर सकते हैं, उसके लिए इनफ जगह है। एंड दूसरा चीज़, इधर 3 फीट 3 इंच का पैसेज एरिया, और यहाँ पे एक वेल है, ओके, यहाँ से आप एंटर हो गए, एंटर होते हॉल है यहाँ पे, ये हॉल 10 फीट 3 इंच x15 फीट का हॉल रहेगा, यहाँ पे अगर आप टीवी बिठा दिए तो इधर सिटिंग के लिए जगह रहेगा, या फिर और एक दूसरा ऑप्शन, कोई लोग मानते हैं कि बैक साइड हमारा जो बैक रहता है ना सूरज को ना दिखा, तो उसकी वजह से आप उसके लिए एक दूसरा भी सॉल्यूशन है, जैसा इधर टीवी रख लीजिए, यहाँ पे क्या है सिटिंग पोजीशन एल शेप में सोफा आप बना सकते हैं, और यहाँ पे और एक विंडो ले सकते हैं, बड़ा सा विंडो, ओके, ये हो गया। अभी सीधा एंटर होते ही 10 फीट 3 इंच 3x10x9 का जो है आपको और एक दूसरा वाला बेडरूम मिल जाएगा, तो ये दूसरा वाला बेडरूम काफ़ी सफिशियंट है, यहाँ पे एक विंडो ले सकते हैं और इधर एक विंडो, अगर आप मगर क्या है बनाने से पहले अलमीरा या फिर कबर्ड कहाँ पे बनाना है, शेल्व्स बोल सकते हैं आप, शेल्व्स कहाँ पे बनाना है वो आप देख सकते हैं, मोटाई में ज़्यादा है सॉरी लंबाई में ज़्यादा है तो शेल्व्स यहाँ पे बना लीजिए, विंडो यहाँ पे आप लेना चाहते हैं तो भी 18 से 2 फीट का जगह छोड़ के 24 इंच का जगह ही, ये एंड से क्या है 24 इंच का जगह छोड़ के आप विंडो ले लीजिए, नहीं तो शेल्व्स क्या है उस विंडो के अंदर चले जाने का चांसेस रहेगा, तो वो एक मेरा बोलने का था। तो यहाँ से सीधा आ गए वापस हॉल के अंदर, हॉल से एंटर होते हैं डाइनिंग एरिया में, ओके, डाइनिंग एरिया और किचन, किचन में क्या हल्का सा एक पार्टीशन लिया गया, उस पार्टीशन आप नहीं चाहते सबसे बेस्टर रहेगा ओपन किचन बना लीजिए, ओके, अगर आपको पूजा रूम भी बनाना है तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, मगर जब आप पूजा रूम बनाए तो इधर पूजा रूम के लिए रहेगा, यहाँ पे ओपन किचन कम डाइनिंग एरिया दोनों भी, तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मेरा आपको सजेशन है कि आप किचन और डाइनिंग एरिया कंबाइंड ले लीजिए, यहाँ पे 4x2.5 फीट का विंडो आ जाएगा, इधर डायगोनल शेप में पूजा रूम के लिए डायगोनल शेप में विंडो आ जाएगा 1-1 फीट का, और ये डाइनिंग एरिया में एक डोर रहेगा, नो विंडोज़, डोर के ऊपर एक छज्जा बना सकते हैं आउटर सनशेड, और यहाँ पे कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, मगर सबके मन में आता है कि एक और एक टॉयलेट रूम तो एक अटैच्ड और एक कॉमन रहा तो बेटर रहेगा, बट जगह भी काफ़ी कम है उसके लिए नहीं हो सकता,
7x4 का एक टॉयलेट रूम रहेगा एंड यहाँ पे करीब करीब आपको 4 फीट का क्लियर स्पैन मिल जाएगा। और ये है बेडरूम, 11x3x10x9 का ये बेडरूम है एंड यहाँ पे एक विंडो ले सकते हैं आप। इधर शेलूज आपका बनेगा, यहाँ पे शेलूज आप बना सकते हैं शेलूज, और शेलूज इस तरह से बना लीजिए जैसा यहाँ से एंटर होते हैं। एंटर होते ही आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ऐसा रुकावट के जैसा आ रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पे जगह छोड़ना, आप यहाँ तक ये एंड तक ही शेलूज बना सकते हैं। करीब 4 फीट विड्थ में शेलूज आप बना लीजिए। और ऑफसेट एरिया 2 फीट, यहाँ पे भी 2 फीट। काफ़ी ध्यान रखा गया है वेंटिलेशन, आपको हेल्दी रहना है अपने लाइफ में तो वेंटिलेशन ज़रूर छोड़ दीजिए, उसे आप कह सकते हैं ऑफसेट या फिर सेटबैक। तो ये कुछ डिटेल था एंड अभी आपके मन में सवाल आ जाएगा कि इसे बनाने के लिए कितना खर्चा आ सकता है। ये एक वर्किंग प्लान है, बहुत ही बढ़िया प्लान, और इसे बनाने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है मैं एक लमसम आपको बता दूंगा। इसे बनाने के लिए आपको करीब करीब 16 लाख से 20 लाख, 22 लाख तक भी जा सकते हैं जब आप फर्नीचर बना देंगे। तो शेल्व्स जो है फर्नीचर में बना सकते हैं, सोफा सेट फर्नीचर वाले कारपेंटर से बना सकते हैं, तो वो मैं बताना चाहता हूँ। और 22 लाख तक एक खूबसूरत बेहतरीन डिज़ाइन बन जाएगा, 12 लाख में भी बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 लाख से 15 लाख, मतलब सब कुछ डिपेंड रहता है मटेरियल कौन सा आप यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड रहता है, ये याद रख लीजिए। तो और कॉलम पोजीशन बता दूंगा, यहाँ पे कॉलम दूसरा तीसरा फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, सो टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर दिस। एंड ऑप्शनल वेल बोरवेल ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल एंड, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑन व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम, ताकि मैक्सिमम लोगों को हेल्प हो जाएगा डेफिनेटली इस वीडियो से। थैंक यू सो मच, जय हिंद।